हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न सेवन स्टैंडर्ड साइंस लेसन नंबर 18, दैट इज साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। स्टूडेंट्स, इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, लेट्स रिकॉल में पेज नंबर 118 में। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, क्लैप योर हैंड्स टुगेदर, प्ले द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको टिक मार्क करना है सेंटेंसेस के आगे, अगर आपने एक्सपीरियंस किया है इन इवेंट को, अगर नहीं किया तो क्रॉस करना है। तो ये आपको खुद से करना है अपने तरीके से। हम सीधा देखेंगे क्वेश्चन आंसर पे, ये सारी चीज़ें हम नहीं देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। इसमें काफ़ी फार्मूलाज वगैरह हैं, तो वो सब आपने सीखा हुआ है। तो जस्ट यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन आंसर ही दिखा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं। साउंड इज जनरेटेड बाय द रिदमिक वाइब्रेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस देख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, रीड भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जस्ट हमें क्वेश्चन आंसर जानना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सबके क्वेश्चन अच्छे से देख लो, आंसर सब में दिए गए हैं और प्लस आंसर यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट का आंसर वाइब्रेशंस, दूसरे का हर्ट्स, तो इस तरीके से सारे के सारे दिए गए हैं। वापस एक बार क्वेश्चन देखिए, चाहे तो आप स्टॉप करके लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, उसके बाद आप आंसर चेक कर सकते हो। आ जाते हैं मैच द कॉलम पे, इन दोनों को मैच करना है आपको, और यहाँ पे मैच किया हुआ है फ्लूट वाइब्रेशंस इन द एयर, यानी कि ये आएगा यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पे मैच किया हुआ है, आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सेकेंड वाला भी आपको मैच करना है, मैच करके आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, इसे यहाँ पे दिया हुआ है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो किस में आएगा, सेकेंड में। तो यहाँ पे आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रही हूँ सिर्फ। राइट द डेफिनेशंस और डिफाइन द टर्म्स, डेफिनेशन दिया गया है इन सब, ऐसे सिंपल पेंडिकुलम क्या है, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशन, ये सारे क्या हैं, इनको इनका मतलब आपको डेफिनेशन दिया गया है। वन मार्क्स के लिए आपको डेफिनेशन आ सकता है, वन या टू मार्क्स के लिए, तो आप अच्छे से देख लो, इसको याद कर लो, पढ़ा आपने है ही, तो ये जस्ट आपको किस तरीके से लिखना है वो दिया गया है यहाँ पर। ये कम्प्लीट है, ये प्रॉपर्टी है, स्पेलिंग अच्छे से देख लो इसका। हु एम आई, तो यहाँ पे दिया गया है, सबका आंसर भी दिया है। आई एम प्रोड्यूस्ड बाय द रिदमिक वाइब्रेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है, साउंड। आई एम द ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड अगेन इन फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये क्या है, पेंडुलम, तो ये सब दिया गया आंसर यहाँ पे। सारे आंसर्स दिए गए हैं सबका, ट्रू और फॉल्स जो भी है स्टेटमेंट वो आपको लिखना है। अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, उसका यहाँ पे वो बताया भी गया है रीज़न। तो आप देखो, यहाँ पे आपको फोर्थ क्वेश्चंस इस तरीके से दिए गए हैं और चारों के चारों का यहाँ पे दिया गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेकंड फॉल्स है, तो फॉल्स क्यों है उसका रीज़न भी आपको बताना है। सो यहाँ पे द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट बाय एन ऑसिलेटर इज कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन आपको बताना है उसका आंसर वन और टू सेंटेंसेस में, तो यहाँ पे देख लो दिया गया है सबका। व्हाट इज साउंड प्रोड्यूस्ड, व्हाट डज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन, तो ये सब दिया गया है। जिसे सेकंड का क्वेश्चन का यहाँ पे देखो, व्हाट डज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन, तो यहाँ पे दिया गया है इन तीनों पे डिपेंड करता है, ये तीनों ही उसके आंसर हैं। फोर्थ पे आते हैं, थोड़ा सा ब्लर है, बट इतना भी ब्लर नहीं है कि आपको पता ना चले, पता तो चल रहा है। ये डिक्रीजेज है, ये मीन्स है, पेंडिकुलम है, ऑसिलेशन है, क्वेश्चन दिया गया है, आंसर भी दिया गया है। तो ये सेकेंड है, यहाँ पे मैं पढ़ नहीं रही हूँ कि आंसर पता चल रहा है, ज़्यादा ब्लर रहता तो मैं आपको पढ़ के बता देती, बट आप देख सकते हो अच्छे से।
ठीक है, दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टू वेज। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर देख लीजिए अच्छे से। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करके आपको बताना चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट करना, तो मैं क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन किया करूँगी। वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किए हुए हैं, बट काफ़ी लेंदी हो जाता है वीडियो, तो यहाँ पर मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। क्वेश्चन दिया गया है, आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, आप अच्छे से देख के स्टॉप करके लिख लो। नेक्स्ट दिया हुआ है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साउंड बेस्ड ऑन फ्रिक्वेंसी। तो इसका आंसर यहाँ पे देखो दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक है पूरा ये आंसर। सेवेंथ का क्वेश्चन ये दिया गया है, और इसका आंसर भी देखो पॉइंट वाइज दिया गया, पॉइंट नंबर 2, 3, 4। तो इस तरीके से आपको लिखना है, पॉइंट वाइज पॉइंट नीचे नीचे आना चाहिए, एक ही में मिक्स नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वैसे नहीं आना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आंसर भी अच्छे से आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, इसे अच्छे से देखो और अच्छे से लिख लो इसको। यहाँ पे ये डायग्राम है जो कि आपको एग्ज़ाम में आ सकता है बनाने के लिए, तो बहुत इजी भी है। ये जो ब्रेन पार इसका देखो, विल अ साउंड बी प्रोड्यूस नो मैटर हाउ द रूलर इज केप्ट ऑन द टेबल। तो यहाँ पे दिया गया है, तो उसका आपको आंसर लिखना है। यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, सारे स्पेलिंग अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, सारे वर्ड्स अच्छे से क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी रीड करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, और पढ़ा हुआ है आपने, तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा इसका आंसर, थर्ड का भी देख सकते हैं आंसर। विच ऑफ द साउंड्स, द रोर ऑफ लायन और द हम ऑफ अ मस्कीटो हैज़ द हाइयर पिच। सो यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे सब एग्जांपल्स दिए गए हैं, यहाँ पे देखो सितार का यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्लर है स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे क्लियरली दिख तो रहा है। जैसे जो नहीं दिख रहा है वो मैं आपको बता दूँ, ये बैंकिंग है, ये प्रोपेगेट है, ट्रेवल्स, सब कुछ दिखाई दे रहा है आई थिंक। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई कंप्लेन भी नहीं होनी चाहिए कि मिस नहीं दिख रहा है। हाँ थोड़ा सा ब्लर हुआ है फ़ोटो क्लिक करने में, बट आपको अच्छे से दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देखो यहाँ से यहाँ तक दिया, ये भी पॉइंट वाइज है, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो कोशिश करिए कि तीनों पॉइंट आपके नीचे नीचे आने चाहिए, मिक्स नहीं होने चाहिए इस तरीके से। ओके, एक पॉइंट ख़त्म हो जाए तो दूसरा पॉइंट नीचे से स्टार्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इसका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आंसर यहाँ पर है, यहाँ पर भी पॉइंट वाइज है। पॉइंट वाइज इसलिए दिया जाता है ताकि पॉइंट वाइज आप लिखते हो तो आपको मार्क्स अच्छे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला देख सकते हो, यहाँ पे है आंसर, यहाँ पे देख रहे हो आप। फिफ्थ वाला आप देखो, ये क्वेश्चन है, आंसर यहाँ पे दिया गया है। स्टूडेंट्स ट्राई करना कि वीडियो डाउनलोड ना करो, आप ऑनलाइन देखो, इससे इस आपके ये जो चैनल है, आपका ये जो चैनल है उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, थोड़ी सी ग्रोथ होने में हेल्प मिलेगी। ओके, तो हम आपको इतना सा बस बता रहे हैं कि आप थोड़ा सा हेल्प करिए और सपोर्ट करिए, ठीक है। और कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में बताइए, पूछिए, और कोई वीडियो चाहिए एक्सप्लेनेशन का, क्वेश्चन आंसर का, तो आप ज़रूर बोलिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी मुझसे हो सकता है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, उसका आंसर मैं आपको सब स्लाइड करके अच्छे से बहुत ही स्लो मोशन में यहाँ पे दिखा रही हूँ, ताकि आपको टाइम मिल सके लिखने का। थर्ड क्वेश्चन है ये, यहाँ पे देखो, ये थर्ड क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन है ये। सोल्यूशन आपने ये सीखा होगा, ठीक है, फार्मूला और उसका जो भी सोल्यूशन है, ये सम सॉल्व करना आपने सीखा होगा,
इसलिए मैं यहाँ पे ये सम आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फोर्थ वाला है जो उसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो। ओपन एंडेड क्वेश्चन में दिया गया है जो क्वेश्चन, वो देख लो। यूज़ योर ब्रेन पावर यहाँ पे उसका आंसर है। यहाँ पे दिया गया ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। बहुत ही ध्यान से आपको ये डायग्राम देखना है, ये फिगर देखना है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, सबका आंसर आपको बताना है। तो अब ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं फर्स्ट टू फिफ्थ, सबका आंसर यहाँ पे है। फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है, फोर्थ का ये है, और यहाँ पे पूरा यहाँ तक है फोर्थ का, और फिफ्थ का ये है, और जो सिक्स है सिक्स का ये है टू सेकेंड। इस सारे के सारे जो क्वेश्चन है पूरा फर्स्ट टू सिक्स, तो सबका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखो और लिखो। कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछो। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके, और उन्हें भी बोलिए चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो लाइक करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। ओके।